दोस्तों, मैं छोटा नागपुर की बेटी आप लोगों का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का लॉकडाउन जो है वो अच्छे से बीत रहा होगा। तो आज मैं आप लोगों को अपने बगीचे में लेकर के जाऊँगी, जो आम का बगीचा है, और मैं अपने आम के पौधों को और आम के फल उसके बारे में कुछ बताऊँगी। तो फिर चलते हैं हम लोग आम के बगीचे में। तो फिर चलते हैं अब आम के बगीचे में। तो ये हमारा बगीचा है, ये जो दिख रहा है ये हमारा बगीचा है और इसमें मैं आप लोगों को ले करके जाऊंगी। ये जो है ये वाला पौधा, ये गन्ने का पौधा है, और ये यहाँ पर नींबू का पौधा, ये जो है ये नींबू का पौधा है, ये वाला, ये नींबू है जिसमें अभी फल नहीं लगे हैं, बस एक ही दो फल हैं जो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये जो है नींबू का पौधा है, और ये हमारे यहाँ ये जो है ये मिर्च का पौधा है, ये वाला, ये जो है ये मिर्च का पौधा है, इसमें भी अभी फल नहीं लगा हुआ है। और फिर मैं आप लोगों को आगे लेकर के चलती हूँ। तो आगे बहुत ये जो ये सब ये पौधे जो हैं, ये अनार का पौधा है, ये जो पौधा है ना ये अनार का पौधा है। और फिर आप लोगों को मैं आगे ले करके चलती हूँ अपने बगीचे में, आप ये वाले बगीचे में। तो यहाँ बहुत सारे आम के पेड़ हैं जो यहाँ पर बहुत सारे जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, ये बहुत सारे आम के। सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और आम में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। तो जैसे कि आम में एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है, और ये प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और कोलोन के कैंसर जो है उसको वो दूर करती है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है। और जैसे हमें पता है कि गर्मी के दिनों में कच्चे आम का शरबत पीने से जो है हमें लू नहीं लगती है और हमारे शरीर का जो डिहाइड्रेशन है वो भी दूर होता है, और कच्चे आम में विटामिन सी होती है जिसकी वजह से हमारा शरीर का जो हीमोग्लोबिन का लेवल है जो वो मेंटेन रहता है, और इसमें कैल्शियम और पोटेशियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जिससे हमारा बीपी जो है वो कंट्रोल में रहता है। और पके हुए आम में जो है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो हमारे आँखों के ड्राइनेस को दूर करता है और हमारे आँखों की जो रोशनी है उसको भी बढ़ाता है। तो इस तरह से कच्चे आम के बहुत सारे फायदे हैं, और इसके एक और भी फायदा है जो हमारे जो स्किन है उसका ग्लो को भी ये बढ़ाता है। तो आम जो है वो वाकई में फलों का राजा है, इसे ऐसे ही फलों का राजा नहीं कहा जाता है, ये वाकई में फलों का राजा है जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए हमें आम जो है वो आम के सीज़न में खाना आवश्यक है या फिर हमें खाना चाहिए। तो आज का ब्लॉग जो है मैं अभी यही समाप्त करती हूँ, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, और आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और नेक्स्ट ब्लॉग में जो है मैं आप लोगों को आम की रेसिपी के बारे में बताऊँगी, और आप लोगों को अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो वैसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल का जो आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।